आज की क्लास में हम व्यू मेन्यू में से लाइव पेंट कैप के ऑप्शन को देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहां से पेन टूल लेकर यहां पे कुछ शेप ड्रॉ कर लूंगी और इन शेप को ड्रॉ करते हुए मैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ शेप ड्रॉ कर ली हैं और इनके दरमियान मैंने गैप छोड़ दिया है। अब शो लाइव पेंट गैप के ऑप्शन को देखने के लिए मुझे इसको लाइव पेंट ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बनाने के लिए मैं या तो लाइव पेंट बकेट टूल का यूज कर सकती हूँ या फिर मैं इन सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से लाइव पेंट के ऑप्शन पे आकर यहाँ मेक पे क्लिक करूँ तो ये लाइव पेंट ग्रुप बन जाता है। लेकिन लाइव पेंट ग्रुप होने के बावजूद मैं इसमें कलर फिल नहीं कर सकती क्योंकि इसके कुछ एरियाज यहाँ से ओपन है और मैं इनमें कलर फिल नहीं कर सकती। इस कलर को फिल करने के लिए मुझे इन गैप को फिल करने की जरूरत है तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर लाइव पेंट पे आऊंगी और यहाँ से गैप ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इस ऑप्शन को यूज करने से पहले जरूरी है कि आप इसको लाइव पेंट ग्रुप बना लें। उसके बाद डिफॉल्ट यहाँ पे स्मॉल गैप सिलेक्ट होता है तो आप यहाँ से मीडियम गैप पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपके गैप मीडियम होंगे तो ये फिल हो जाएंगे। उसके बाद आप लार्ज गैप कर सकते हैं तो लार्ज गैप से भी अगर आपका 12 पिक्सल तक का गैप है तो वो फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका गैप ज्यादा है तो यहाँ से आप कस्टम गैप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन सा कलर इन गैप को फिल करने के लिए यूज करना है। डिफॉल्ट रेड होता है तो मैं रेड ही रहने देती हूँ ताकि ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आए। और उसके बाद मैं यहाँ से इस वैल्यू को इनक्रीज करना शुरू करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे कुछ गैप फिल हो गए हैं लेकिन ये गैप फिल नहीं हुआ तो मैं इस वैल्यू को मजीद इंक्रीज करूंगी। तब आप देखें ये गैप भी फिल हो चुका है। चूज गैप विद पाथ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से यस कर दूंगी। अब ये गैप फिल हो चुके हैं लेकिन जैसे ही मैंने सिलेक्शन खत्म की है तो यहाँ पे जो रेड लाइन्स मुझे नजर आ रही थी, जो ये गैप की फिलिंग मुझे नजर आ रही थी, वो हाइड हो गई। मैं इसको पहले उठाकर यहाँ साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए। और उसके बाद व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से शो लाइव पेंट गैप पे क्लिक करूँ तो आप देखें आपको ये लाइंस नजर आने लगी जो रेड कलर में है। और उसके बाद दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड लाइव पेंट गैप पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाते हैं। आप इन गैप को फिल करने के लिए ऑब्जेक्ट मेन्यू में गैप ऑप्शन को यूज करेंगे। जैसे ही आप उस ऑप्शन को ओके करेंगे और उसके बाद आप इस लाइंस को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, आप व्यू मेन्यू में से शो लाइव पेंट गैप ऑप्शन पे क्लिक करके इनको देख सकते हैं और हाइड लाइव पेंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप इनको हाइड कर सकते हैं। आपने लाइव पेंट बकेट टूल को कैसे यूज करना है, इनमें कलर कैसे फिल करना है, उस पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। उसके बारे में तमाम डिटेल क्लास नंबर 69 में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं वीडियो के लास्ट पे एज एंड स्क्रीन लाइव पेंट बकेट टूल वाली क्लास को लगा दूंगी। आप वहां पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं और डिटेल से सीख सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्मार्ट गाइड, रूलर और गाइड्स पे बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चन और व्यूज नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।